यूपी टेट के परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के बाद अब तक एसटीएफ द्वारा 29 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पेपर लीक हो जाने के साथ मथुरा जनपद के तार जुड़े बताए जा रहे हैं, क्योंकि शामली में पकड़े गए आरोपियों ने मथुरा के गौरव का नाम एसटीएफ के संज्ञान में डाला था। उसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए 29 लोगों तक एसटीएफ का हाथ पहुंच चुका है और आगे भी गिरफ्तारी इसमें संभव है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये घोषणा की गई है कि पेपर आउट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलाया जाएगा, उससे पूरे प्रदेश में आरोपियों के हौसले पस्त हो गए हैं। बताया जाता है कि मथुरा से फरार गौरव नाम के व्यक्ति से पकड़े गए आरोपियों ने 5 लाख में यह पेपर खरीदा था। पेपर के 9 सेट बनाकर 50 लड़कों को बेचा गया था। प्रति रुपए 50,000 पेपर तय किया गया था। पेपर आउट होने के बाद मथुरा प्रशासन और यहां के अभ्यर्थियों में काफी निराशा है। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी शासन द्वारा नई तिथि की घोषणा की जाएगी, उसके बाद तैयारी की जाएगी। इससे ज्यादा मैं कुछ बताने में असमर्थ हूँ। यूपी टेट की परीक्षा का पेपर लीक होने के साथ ही मथुरा जनपद के तार जुड़े बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के एसटीएफ द्वारा अभी जाँच की जा रही है। कल शामली में जो 3 अपराधी पकड़े गए थे, आरोपी पकड़े गए थे, उनको लेकर के लगातार पूछताछ जारी है। गौरव नाम के किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसको लेकर के वह अलीगढ़ के किसी गांव का बताया जा रहा है। लेकिन अब तक बात करें तो 29 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। हालांकि डीआईएस मथुरा से संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मथुरा का कोई भी संज्ञान में मामला उनके नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा भी इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है कि उक्त युवक मथुरा में आखिरकार किस जगह का है, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया है। हालांकि अभी तक 29 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कड़ा रुख अपनाने के बाद एसटीएफ ने और अपना रुख बढ़ा दिया है और जल्द ही और अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ रवि यादव।